इजी और इनोवेटिव रेसिपीज के लिए हमारे चैनल फूड कनेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुलिका फूड कनेक्शन में आप सबके लिए लेकर आई हूँ प्रेशर कुकर में केक बनाना और उसे डेकोरेट करना। जी हाँ, आज मैंने ये केक बिना क्रीम बिना चीनी के डेकोरेट किया है और यदि आप भी इस तरह का केक बनाना चाहते हैं और सजाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को पूरा देखें और आपको ये रेसिपी कैसी लगती है हमें ज़रूर बताएं। आप देख सकते हैं मैंने कितनी आसानी से यहाँ पे केक बनाया है और बिलीव मी फ्रेंड्स, ये आप भी बहुत ही आसानी से बना लेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक बड़े बाउल के ऊपर छलनी रख दी है, उसके अंदर मैदा डालें। अब इसमें चीनी डालें, मैंने चीनी को पीस लिया है। कोको पाउडर डालें, मैंने यहाँ बिना अनस्वीटेंड कोको पाउडर डाला है। एक चम्मच आप बेकिंग सोडा डालें, चौथाई चम्मच करीब आप नमक डालें और इसे छान लें। मैंने चीनी को घर में ही पीसा है और सभी इंग्रेडिएंट्स मैंने 250 ml कप के बराबर से नापे हैं, तो प्लीज़ आप मेजरमेंट्स का ज़रूर ध्यान रखें। सभी इंग्रेडिएंट्स मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दे दिए हैं। इस तरह से हम छलनी से छान लेंगे। ये मोटी चीनी है जिसे मैंने घर में पीसा था। इसे अच्छे से मिक्स करें ताकि कोको पाउडर और जो हमने सोडा और नमक सब डाला था वह इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम दूसरे बाउल में वापस से छलनी रखेंगे और इसी मैदा और चीनी के मिक्सचर को वापस से छान लेंगे। इसे 2 से 3 बार छानेंगे, केक बहुत ही बढ़िया और सॉफ्ट बनेगा, इसलिए मैं यहाँ पे आपको दोबारा छान के बता रही हूँ और आप बाद में देखेंगे कि हाँ रियली केक बहुत ही बढ़िया और सॉफ्ट बना है। इस तरह से मैंने मैदा को बहुत ही अच्छे से और आसानी से छान लिया है। अब इस ड्राई इंग्रेडिएंट में एक छोटा सा गड्ढा करें। अब हम इसमें तेल डालेंगे, आप कोई भी अनफ्लेवर्ड तेल ले सकते हैं। इसमें वनीला एसेंस डालें, इसमें 1 चम्मच सिरका डालें। मैंने 1 कप पानी को पहले से ही गर्म कर लिया है। इसमें मैं 1 चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इस गर्म पानी को का आधा पोर्शन ही इस केक बैटर में डालूंगी और इसे धीरे धीरे मिक्स करूंगी। हम इसमें एक साथ पानी नहीं डालेंगे क्योंकि डिजायर्ड कंसिस्टेंसी के आने के बाद में हम पानी डालना बंद कर देंगे। मैंने पहले से ही 250 ml पानी गर्म करके रखा है। इस तरह से हम केक बैटर बनाते हुए इसे धीरे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमें पानी की ज़रूरत है तो मैंने थोड़ा सा पानी और डाला और वापस से इसे मिक्स कर लिया है। इस तरह से धीरे धीरे कट एंड फोल्ड मेथड से आप केक का बैटर मिक्स करते जाएं। इस तरह से हमारे पास में केक का बैटर तैयार हो चुका है। अब मैंने पहले से यहाँ पे 7 इंच का केक टिन तेल से ग्रीस कर लिया था और उसके बाद मैंने इस पर एक बटर पेपर लगा दिया है। अब इसके ऊपर आप तैयार केक का बैटर डालें। और इसे स्पैचुला से स्प्रेड कर दें ताकि ये इवनली स्प्रेड हो जाए और 2 से 3 बार टैप कर दें। मैंने प्रेशर कुकर को पहले से ही 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें एक वायर स्टैंड या कोई एक रिंग रखें और उसके ऊपर जिसमें हमने केक का बैटर भरा है वह केक मोल्ड रख दें और इसे ढक कर करीब 30 से 35-40 मिनट के लिए आप लो फ्लेम पर कुक होने दें। आप देख सकते हैं केक का बैटर काफ़ी अच्छा फूल रहा है, केक बनने को है। हम 30 से 35 मिनट के बाद में केक का कुकर का ढक्कन हटाएंगे और टूथपिक से चेक करेंगे। आप देख सकते हैं टूथपिक पे थोड़ा सा केक बैटर लगा हुआ आ रहा है, तो हम इसे लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए वापस से ढककर पकाएंगे। दस मिनट के बाद में वापस से केक को चेक करें टूथपिक से। वाओ, केक एकदम परफेक्टली बेक्ड है। अब गैस को बंद कर दें और इसे बाहर निकालें और इसे करीब आधा से पौन घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दें। ये ठंडा हो चुका है, इसे एक प्लेट पर उल्टा करें और धीरे से टैप करें। वाओ, केक बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो गया है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है।
अब हम यहाँ पर इसकी सजाने के लिए क्रीम तैयार कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर घर का बना हुआ बटर यूज़ किया है। मुझे मार्केट में अनसॉल्टेड बटर नहीं मिला तो मैंने घर पर ही इसे बनाया, और यह इस तरह का होना चाहिए कि ना तो एकदम चिल्ड होना चाहिए ना ही एकदम हार्ड होना चाहिए, लेकिन ये पिघला हुआ भी नहीं होना चाहिए। अब हम इसे इलेक्ट्रिक बीटर से करीब 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम स्पीड पर बीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस क्रीम को बनाने के लिए बटर का टेक्सचर सही होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखें, ये सॉफ्ट होना चाहिए पर ठंडा होना चाहिए, एकदम पिघला हुआ कंसिस्टेंसी में नहीं होना चाहिए, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। इसे हम मीडियम फ्लेम पर बीट करेंगे। इस क्रीम को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप इसे बहुत ही आसानी से कुछ मिनटों में ही क्रीम को तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हम आज बटर क्रीम तैयार कर रहे हैं, जिसमें ना हम कोई क्रीम डालेंगे ना ही हम कोई चीनी डालेंगे। अब इसे वापस से आप स्पैचुला से कलेक्ट कर लें ताकि सेंटर में आ जाए। जैसा कि मैंने बताया था कि बटर सॉफ्ट है पर ये एकदम मेल्टेड नहीं है, तो इसे व्हिप करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो इसे बीच बीच में हम व्हिप करेंगे और इसे वापस से सेंटर में स्पैचुला से कलेक्ट करके लेकर आएंगे और फिर व्हिप करेंगे। इस तरह से हम 2 मिनट के लिए इसे और व्हिप करेंगे। आप देख सकते हैं धीरे धीरे बटर सॉफ्ट और फ्लफी हो रहा है, और आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो रहा है। जिसका कलर जितना चेंज होगा आइसिंग उतनी ही बढ़िया बनेगी। अब हमने यहाँ पर करीब 1 केन कंडेंस मिल्क का लिया है। कंडेंस मिल्क भी एकदम चिल्ड होना चाहिए, इसे डायरेक्ट फ्रिज से निकालें और इसे तुरंत यूज़ करें। 1/2 किलो बटर में मैंने 400 ग्राम कंडेंस मिल्क यूज़ किया है। अब हम इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए हाई स्पीड पर मिक्स कर लेंगे। अब इसे मिक्स करना बहुत आसान है क्योंकि इसमें कंडेंस मिल्क जा चुका है, बटर काफ़ी अच्छी क्रीमी कंसिस्टेंसी में आ रहा है। इसे हाई स्पीड पर 2 से 3 मिनट के लिए व्हिप करें और साइड में जो भी क्रीम है उन्हें सेंटर में लेके आएँ ताकि वह भी अच्छे से व्हिप हो। इस तरह से कलेक्ट करें और वापस इसे व्हिप करें। तो फ्रेंड्स, आप जब भी आपके पास में बटर इकट्ठा हो जाए घर पर, ये बटर के रेसिपी मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि कितना आसान है घर पे बटर बनाना और उस बटर से फिर केक बनाना, तो हर चीज़ घर की होगी तो कितना मज़ा आएगा। अब आप इसमें फ्लेवर के लिए वनीला एसेंस डालें और उसे मिक्स करें। सभी चीज़ अच्छे से मिक्स हो चुकी है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी में है। इसे अच्छे से कलेक्ट कर लें और आप देखें कितनी बढ़िया थिक और बढ़िया बटर क्रीम बनकर तैयार हुई है। अब इस बटर क्रीम को हम केक डेकोरेट करेंगे। उसके लिए मैंने इस बटर क्रीम को 3 भागों में डिवाइड कर लिया है। 1/2 कप मैं ले रही हूँ जिससे हम ग्रीन क्रीम बनाएंगे, और 1 कप हम लेंगे जिसमें हम पिंक क्रीम बनाएंगे कलर डाल के, और जो सबसे ज़्यादा वाला पोर्शन है उसके अंदर हम ग्रे क्रीम बनाएंगे, यानी उसमें ब्लैक कलर ऐड करके हम उसका ग्रे शेड बनाएंगे। मैंने यहाँ पर ब्लैक जेल फूड कलर यूज़ किया है, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। इसे मिक्स करें, कलर को अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी है, नहीं तो जब आप केक बनाएंगे तो जगह जगह पे क्रीम वाइट और कहीं पे ग्रे और ऐसा शेड आएगा। अपने डिज़ायर्ड शेड के अकॉर्डिंग आप और कलर मिला सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा शेड और मिलाया है ताकि मुझे परफेक्ट शेड मिले। इस तरह से हमारे पास में ग्रे क्रीम तैयार हो गई है। अब मैं रेड जेल फूड कलर मिला रही हूँ जिससे मुझे पिंक क्रीम मिल जाएगी। यदि आपको कोई और अपने मनपसंद कलर डालने हैं तो आप वे कलर यूज़ कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। अब मैं पत्तियों के लिए हरा ग्रीन जेल फूड कलर मिला रही हूँ, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। जब हम दूसरी
क्रीम से काम करेंगे तो बाकी की क्रीम को आप फ्रिज में रख दें ताकि ये रूम टेम्परेचर पर ना आए और हल्की सी चिल रहे ताकि इसे यूज़ करना ईजी हो जाए। अब मैंने यहाँ पर टर्न टेबल पर एक केक बोर्ड रख दिया है, आप चाहें तो किसी प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं और केक बोर्ड के सेंटर में थोड़ी सी क्रीम लगाएं ताकि हमारा केक एकदम से अच्छे से चिपक जाए। आप केक को उस क्रीम के ऊपर एकदम सेंटर में रखें, केक को अच्छे से प्रेस करें ताकि ये क्रीम बोर्ड से अच्छे से स्टिक हो जाए। अब मैं एक सेरेटेड नाइफ से केक की स्लाइसेस करूंगी, ये आपकी चॉइस पर है, आप इसके एक स्लाइस और दो स्लाइस और तीन स्लाइस जैसी आपकी इच्छा है, जैसा आपको हाइट का केक चाहिए उस अकॉर्डिंग आप इसकी स्लाइस कर सकते हैं। मैं इसे दो स्लाइस में कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया और सॉफ्ट केक बना है। अब मैं यहाँ पे दो चम्मच पाउडर शुगर में दो चम्मच पानी मिलाकर सोकिंग सिरप तैयार कर रही हूँ। आप पानी रूम टेम्परेचर का ही लें और चीनी को पीस लें और इसमें सोकिंग सिरप तैयार करें। अभी सोकिंग सिरप को आप केक स्लाइस के ऊपर डालें, ऐसा करने से केक एकदम मॉइस्ट रहता है और खाते वक्त बहुत ही सॉफ्ट होता है। अब जो हमने ग्रे क्रीम तैयार की थी वह क्रीम केक की स्लाइस पर लगाएं और उसे इवनली स्प्रेड कर दें। इस तरह से हम केक को स्प्रेड करते हुए साइड में लेकर आएंगे और एक पतली लेयर लगाएंगे। फ्रेंड्स, क्रीम आपको कम लगानी ज़्यादा लगानी टोटली आपके ऊपर ऑप्शनल है। मैं थोड़ा क्रीम कम यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को क्रीम कम पसंद है और केक खाना ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए तो ये टोटली ऑप्शनल है। इस तरह से क्रीम की मैंने एक पतली लेयर केक पर लगा दी है। अब मैं दूसरी केक स्लाइस को भी इसके ऊपर रख दूंगी और हाथों से हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए और सोकिंग शुगर सिरप से इसे सोक कर लेंगे। अब हम इस पूरे केक के ऊपर और साइड में क्रीम जो हमने बनाई थी ग्रे कलर की उससे अच्छे से कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको शायद लाइटिंग के कारण ये लाइट ब्लू कलर की क्रीम दिख रही है, पर ये ग्रे कलर की क्रीम है और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप जिस कलर की जो थीम जो आपकी चॉइस है उस अकॉर्डिंग आप ये क्रीम का कलर बना सकते हैं। इस तरह से सभी तरफ से केक को व्हिप्ड क्रीम से कवर कर लें। मैंने केक के टॉप पर क्रीम लगा दी है, अब मैं साइड में लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, यदि स्टार्टिंग में आपसे फिनिशिंग नहीं आती है तो आप घबराएं ना, ये इसमें कोई साइंस रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही इजी है। धीरे धीरे जितना आप केक बनाएंगे, जितनी आप आइसिंग करेंगे उतनी आपको फिनिशिंग आती जाएगी। ये टोटली प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, तो घबराएं ना, लेकिन आप केक बनाना बंद ना करें, केक बनाते रहें, एक दिन आप बहुत बढ़िया केक बनाने लग जाएंगे। तो इस तरह से आप थोड़ी थोड़ी क्रीम लगाएं और इसे स्प्रेड करते जाएं और केक को कवर करें और फिनिशिंग देने की कोशिश करें। वाह, केक हमारा ग्रे क्रीम से एकदम अच्छे से कवर हो चुका है। अब इस केक को साइड में रखें। अब हमने जो पिंक और ग्रीन क्रीम बनाई थी उसे हम नोजल में भरेंगे। मैं यहाँ पर ये रशियन नोजल यूज़ कर रही हूँ रोजेस बनाने के लिए, ये इजीली मिल जाती है और मैंने दो पाइपिंग बैग ली है क्योंकि रशियन नोजल और बटर क्रीम को जब हम प्रेस करते हैं तो काफ़ी प्रेशर लगता है, तो सिक्योरिटी के लिए मैं यहाँ पे दो पाइपिंग बैग यूज़ कर रही हूँ। अब इस रशियन नोजल वाले पाइपिंग बैग को आप पिंक व्हिपिंग क्रीम से भर लें। ध्यान रखें इस क्रीम को आप मेल्ट ना दें, जहाँ तक हो सके अपनी फिंगर्स का यूज़ करें, पाम का यूज़ ना करें, हथेलियों में काफ़ी गर्मी होती है। इस तरह से अब मेरे पास में ये नूर की 45 नंबर की नोज़ल है जो मैं पाइपिंग बैग में लगा रही हूँ, इससे हम लीफ बनाएंगे। तो ग्रीन कलर का व्हिप्ड क्रीम आप इस पाइपिंग बैग में भर दें। इस तरह से हमारे पास में ग्रीन और पिंक दोनों पाइपिंग बैग तैयार हो चुके हैं।
अब हमें केक को डेकोरेट करना है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है फ्रेंड्स, मैं बार बार कह रही हूँ, आप अपनी इच्छा अनुसार केक डेकोरेट कर सकते हैं। अब हमने जो रशियन नोजल से हम यहाँ पर रोज़ बनाएंगे, इस तरह से हाथों से प्रेशर दें और केक पर छोड़ते जाएं, इस बहुत ही आसानी से ये रोजेस बन जाते हैं। देखिए कितना आसान है केक को सजाना। आप अपने मनपसंद अनुसार इसमें शेड्स डालें, कलर डालें और अपनी इच्छा अनुसार इसको यूज़ करें और केक को डेकोरेट करें। यदि आप स्टार्टिंग में केक के ऊपर इन फ्लास्क को नहीं बना सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले आप किसी प्लेट पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आप केक पर इसे डायरेक्ट पाइप आउट करें तो आप आसानी से केक बना लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे पिंक रोजेज़ बना लिए हैं। अब मैं लीफ बना रही हूँ, जहाँ पर जैसे आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे लीफ बनानी है, ऐसा पैटर्न बनाना है, आप उसी तरह से लीफ की पाइपिंग बैग को ऐसे पाइप आउट करें और लीफ बनाएं। फ्रेंड्स, इसमें स्टार्टिंग में आपको प्रेशर देना है, फिर एकदम से छोड़ देना है, ऐसा करने से लीफ का पैटर्न आ जाएगा। वाह, बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये लीफ। परफेक्ट। अब मैंने नूर की नोजल नंबर 20 पिंक बैग में डाली है। मेरे को यहाँ पर जो केक टॉप का जो खाली हिस्सा बचा है, वहाँ पर छोटे छोटे से फ्लावर्स शेप के स्टार डालने हैं, तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मैं इस तरह से जो खाली जगह है उन्हें फिलअप कर रही हूँ, और आपको जो भी पैटर्न मैंने डालना है आप वैसे इसे इन केक पर डाल सकते हैं। अभी ना मैं केक के टॉप पर रैंडमली डाल दूंगी। वाह, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं ना। अब मैं इसी तरह से केक के बॉटम को भी डेकोरेट कर रही हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार डेकोरेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से लीव्स बन रही हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स, इस बार जब भी आप केक बनाएं, तो इस पैटर्न से आप क्रीम बनाएं, ताकि आपको बहुत ही आसानी से केक डेकोरेट कर लें और बना लें। कई लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें क्रीम नहीं मिली, हम कैसे व्हिप करें, पतली हो जाती है, गाढ़ी जाती है। तो इस बार आप बटर क्रीम और ये कंडेंस मिल्क की क्रीम को ज़रूर ट्राई करें, और आपके एक्सपीरियंस कैसे रहे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको किस तरह के और केक्स चाहिए वह भी हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम उसी तरह के वीडियोज़ आपको दे सकें और आप भी घर पर हेल्दी और फ्रेश और टेस्टी बट ब्यूटीफुल केक्स बना सकें। अब मैं इसी तरह से सेम ग्रीन कलर के स्टार्स भी केक टॉप पर बना दूंगी। इस तरह से आप अपने मनपसंद अनुसार शेप, कलर और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग केक को डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया केक बना है, आप देख सकते हैं हमने इसे कुकर में बेक किया है, और फिर बटर क्रीम और कंडेंस मिल्क, जो कि बहुत ही आसानी से घर पर अवेलेबल होते हैं और मार्केट में मिल जाते हैं, उससे हमने केक को डेकोरेट किया है। अब मैं केक को कट करके बता रही हूँ कि किस तरह का केक का टेक्सचर आया है। वाह, बहुत ही बढ़िया केक बना है फ्रेंड्स। आप इसी तरह से घर पर एगलेस केक बनाएं प्रेशर कुकर में, और इस तरह से डेकोरेट करें, ताकि आप भी घर के बने हुए एगलेस केक्स एंजॉय कर सकें। तो इस बार जब भी पार्टी हो घर पर, बाज़ार से केक ना लाएं, खुद बनाएं, खुद सजाएं और इन्हें एंजॉय करें, और अपने फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।